मिल्कीपुर सीट की करेंगे, जिसे जीतकर बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का हिसाब बराबर करना चाहती है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर चुनाव की तारीख बता दी है, मिल्कीपुर की तारीख रोक ली है और विपक्ष इसे बीजेपी का डर कहने लगा है। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए, याद रखना। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच जिस खींचतान का दावा होता आया, उस सियासी तनातनी में मुख्यमंत्री की ताकत का मोमेंटम 10 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से ही मजबूत हो सकता है। जहां चुनाव आयोग ने ये तो कहा कि 9 सीटों पर उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन जिस मिल्कीपुर सीट का जिम्मा खुद अपने कंधे पर लेकर दावा है कि मुख्यमंत्री प्रचार करते आए, उस मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं आया तो विपक्ष हल्ला करने लगा, बीजेपी डर गई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है, चुनाव टाला है डर के मारा, लेकिन कहां तक भगेंगे। मिल्कीपुर पर इसलिए बात कर रहा है कि अब 9 तो हार जाएंगे, इसकी बात करते रहो ताकि ध्यान सबका भटकता रहे, हम वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। जैसे ही चुनाव आयोग उसको अलाउ करेगा और वहां पर इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी वो 10वीं सीट भी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है, जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। ऐसा क्या है कि जिस मिल्कीपुर सीट पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत की तैयारी करते रहे, अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद की हार का हिसाब बराबर करना चाहते रहे, उसी सीट पर उपचुनाव की तारीख नहीं आई। मिल्कीपुर वो सीट है जहां 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक बने, नंबर 2 पर बीजेपी के गोरखनाथ बाबा 13,000 वोट से हारने के बाद रहे। 2024 में मिल्कीपुर विधानसभा से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद सांसद बन गए। मिल्कीपुर सीट पर इसीलिए उपचुनाव की नौबत आई, लेकिन अभी तारीख नहीं आई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से सवाल हुआ, जवाब ये सामने आया। अभी जो आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा, जिन पर नहीं ऐलान किया गया, वो कौन कौन? सफर सर, यूपी की दस सीटें थी, 10 की 10 होंगी, 9 सर, 9 किया। बशीरहाट इज अंडर द इलेक्शन पिटीशन, देयर इज एन इलेक्शन पिटीशन इन बशीरहाट, सो दैट इज वन केस, 10 सीटें थी ना। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन, सो लेट मी से इट दैट वे, जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है, ठीक है, वो दे देंगे, वो 2 तो मैंने बताई दी आपको। क्या वाकई ऐसी कोई याचिका 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर लगाई गई थी? रुद्र विक्रम सिंह तक हम पहुंचते हैं, ये बीजेपी नेता और मिल्कीपुर विधानसभा में 2022 में नंबर 2 रहे गोरखनाथ बाबा के वकील अवधेश प्रसाद जी, जो आप सांसद बन चुके हैं, उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है, क्योंकि जो नोटरी उन्होंने कराई थी, ये मेरी याचिका है गोरखनाथ वर्सेज अवधेश प्रसाद लखनऊ हाई कोर्ट में, इसमें जो नोटरी कराई गई थी, जो राकेश कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता है, ऐसा दिखाया गया कि इनसे नोटरी कराई गई थी, उन अधिवक्ता महोदय का जब हमने RTI लगाकर पता किया तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो उन अधिवक्ता महोदय की नोटरी एक्सपायर हो चुकी थी 2011 में, जबकि 2022 के जब चुनाव हुए थे उस इलेक्शन में इसी अधिवक्ता द्वारा नोटरी कराई गई थी, उसको हमने चैलेंज किया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था, इसमें सुनवाई चल रही है। हालांकि बीच में जब लोकसभा चुनाव हुए तो वो सांसद चुन लिए गए,
और इसलिए हमने भी याचिका को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी वो इन्फ्रेक्चुअस हो गई थी। लेकिन चूंकि मामला पेंडिंग है, मामले में माननीय न्यायालय संज्ञान ले चुका है, इसलिए आज चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम एक दो दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। सवाल यह है कि क्या ये बात पहले ही बीजेपी के गोरखनाथ बाबा से लेकर बड़े नेताओं तक को पता नहीं थी, जो मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाने से लेकर प्रचार तक में ताकत पार्टी झोंकती रही, या फिर खेल कुछ और भी है।